चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े भोले वाले थे। कुछ दिन बाद लीशा नाम की लड़की अपने मामा के यहाँ घूमने आई होती है। फिर कुछ समय बाद लीशा को टॉयलेट लगती है तो वो अपने मामा से कहती है, मामा टॉयलेट कहाँ है? फिर उसकी मामा लीशा से बोलते हैं, अरे बेटा, हमारे गांव में तो कहीं पर भी टॉयलेट नहीं है। ये गंदा काम तो हम जंगल में करते हैं क्योंकि इससे बदबू आती है। अगर तुमको लगी है तो जंगल में चली जाओ। इतनी बात सुनकर लीशा को गुस्सा आ जाता है। लीशा को जोर से टॉयलेट लगने की वजह से उसे डरते डराते जंगल की ओर से निकलना पड़ता है। लीशा पानी लेने के लिए नहर करने जाती है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन कुछ लोग गांव में बैठे होते हैं, एकदम उन्हें बदबू की सुगंध आती है। अरे मुखिया जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है किसी ने घर में टॉयलेट बनाया है। तो मुखिया बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। तब वो गांव वासियों से पूछताछ करता है, मगर गांव में किसी के भी घर में टॉयलेट नहीं होती है। तब गांव वाले इस बदबू से परेशान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह पूरे गांव में सबके घर के बाहर टट्टी ही टट्टी नजर आ जाती है। पूरा गांव परेशान हो जाता है। फिर मुखिया पूरे गांव की सफाई करवाते हैं। वो रात को गांव में आती, वह जिसे देखती उसे उठाकर जंगल की ओर ले जाती। उसी रात में एक एक करके गांव के सभी आदमियों को चुड़ैल उठाकर ले जाती है। सोया होता है, अचानक वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे जी, क्या चीज है? अरे भगवान, मैं कहां फंस गया, मुझे बचाओ। उस व्यक्ति को चुड़ैल जंगल की ओर उठाकर ले जाती है। अब गांव में कुछ ही लोग बसते हैं जो मुखिया से जाकर कहते हैं। फिर मुखिया अपने गाँव वालों के संग एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तब भी बदबू आना बंद नहीं होती है। जैसे ही वो तांत्रिक के पास जाते हैं, तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, अरे पंडित जी, हमारे गांव को क्या हो गया है? हमारे पूरे गांव में टट्टी और टट्टी की बदबू फैली भी है और एक एक करके गांव के सारे निवासी गायब होते जा रहे हैं। इतनी बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर वो तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल को बुलाता है और फिर चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक पूछता है, तू कौन है और कहाँ से आई है? फिर क्यों परेशान कर रही है इन गांव वासियों को? फिर इतने में चुड़ैल क्रोधित होकर बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती सारी गांव वालों की है। जब मैं इस गांव में आई थी तो मैं परेशान होकर जंगल में टॉयलेट करने गई थी और मैं पानी भरने जैसे ही गई तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी मौत हो गई। फिर मैं चुड़ैल बन गई थी। फिर मैंने सोचा इन गांव वालों को सबक सिखाया जाए। फिर इतना सुनकर तांत्रिक बोलता है, गांव वालों को परेशान करना बंद करो। और इतने में चुड़ैल क्रोधित होकर बोलती है, जब तक इन गांव वासियों के हर घर में टॉयलेट नहीं बन जाता, मैं यूं ही सबको परेशान करती रहूंगी और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर तांत्रिक घबरा जाता है और मुखिया से बात करता है, मुखिया जी, अब सबके घर में टॉयलेट बनवा दो, वरना आपको जिंदगी भर ये बदबू सूंघना पड़ेगी और उस आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और वो आपको यूं ही परेशान करती रहेगी।
फिर मुखिया पूरे गांव में टॉयलेट बनवा देता है। फिर उस चुड़ैल को मुफ्ती मिल जाती है और एक एक करके सारे गांव वासी वापस आ जाते हैं। फिर गांव में खुशहाली आ जाती है और गांव की तरक्की भी हो जाती है।